morning, all of you. I am Amit Patel of BSc third year. Going to explain the topic for force. हम पहले से जानते हैं फोर्स क्या होता है, बस अपने शब्दों में वो लिखाते हैं। और फोर्स हम लोग के लाइफ में जुड़ा हुआ है, जो भी हम लोग काम करते हैं वो हर एक काम में एक फोर्स इन्वॉल्व होता है, जैसे उठाना, चलना, आना जाना, अलग अलग टाइप के अलग अलग एक्शन पे फोर्स लगते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं डिफिनीशन, फोर्स किसे फोर्स करते हैं। इन साइंस इफ पुल और पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स, थस वी कैन से दैट द मोशन इम्पॉर्टेड टू ऑब्जेक्ट एज टू ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। हिंदी में समझ लेते हैं, बल खिंचाव अथवा दबाव की उस प्रक्रिया का नाम है जो या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। जैसे कोई चीज़ हम उठाते हैं 5 kg का, आसानी से उठा लेंगे, वही हमको कह दिया जा रहा है 80 kg का है, तो हम लोग उसको घिसका नहीं सकते, उठा नहीं सकते, यानी कि ये नहीं कह सकते हैं कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स लग रहा है, और जैसे हम लोग डिफिनेशन से पता चला है, फोर्स उसे कहेंगे जो किसी वस्तु के चेंज उसके शेप में, साइज में, या फिर उसके प्लेस को डिस्प्लेस कर दे, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ फोर्स। ऐसे तो बहुत सारे फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, लेकिन हम इसको एक समरी में मतलब अलग अलग कैसे क्लासीफाई कैसे करेंगे। एक होता है कनेक्टिव फोर्स और एक होता है नॉन कनेक्टिव फोर्स। कनेक्टिंग फोर्स में आ जाते हैं जब दो बॉडी आपस में टच होते हैं, जैसे किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो ये कनेक्टिव फोर्स हो जाएगा, और किसी नॉन कनेक्टिव फोर्स किसे कहेंगे, जैसे कि विदाउट टच किए, जैसे मैग्नेट हमारा यूज हमारे लाइफ में यूज भी करते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं विदाउट कॉन्टेक्ट, वो जैसे लोग मतलब आए